आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव बंसीलाल यादव। हम इनसे करेंगे कुछ खास बातचीत एवं राजनीतिक विषयों पर चर्चा। बंसीलाल जी, आपका न्यूज नुक्कड़ में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद बंसीलाल जी। आप जो है शिवपाल यादव जी के बड़े करीबी भी रहे हैं और आप कई रैलियों के सूत्रधार भी रहे हैं। आपकी पार्टी बहुजन मुक्ति पार्टी अभी जो है अलायंस हुआ है, गठबंधन हुआ है, और किन किन सीटों पे इस पे बात बन रही, कितनी सीटों पे आप लोग मानना चाहेंगे, कितनी सीटें आप लोग चाहेंगे? हम लोगों का जो अलायंस बना है तो हम लोगों ने कहा है कि 80 सीटों पर हम लोग पूरा चुनाव लड़ेंगे। बातचीत चल रही है और तमाम दल हम लोगों के संपर्क में हैं और जैसे ही बातचीत फाइनल हो जाएगी हम लोग जानकारी आपको देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी घोषणा भी करेंगे। मसीलाल, दूसरी बात कि आप लोग अभी जो है आपकी पार्टी का गठबंधन हुआ है, इसके साथ में शिवपाल जी भी कांग्रेस के साथ अलायंस करने जा रहे हैं, उसका प्रयास कर रहे हैं, क्या इसकी खबर आप लोगों को है? देखिए, हम लोगों ने पहले भी कहा था, माननीय शिवपाल जी ने भी ये बात कही थी कि भाजपा को हराने के लिए हम भाजपा अगेंस्ट जो भी दल हैं हम सारे लोगों को एक साथ चाहते हैं कि सारे लोग एक साथ आवें ताकि भाजपा को हराया जा सके, क्योंकि आज पूरे देश की जनता चाहती है कि भाजपा को हराने के लिए भाजपा के अगेंस्ट जितने दल हैं वो सब एक मंच पर आवें। तो बहुजन मुक्ति पार्टी भी और माननीय शिवपाल यादव जी भी कई बार कोशिश किए, उन्होंने सपा बसपा से भी एक बात कही कि आप लोग हम लोगों को भागीदारी दीजिए और मिल करके हम लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। लेकिन अब सपा बसपा तो इस समय घमंड में है और उन लोगों का घमंड इस कदर है कि मतलब बात भी नहीं की वो लोग, तो हम लोगों ने अपना अलायंस और तेज करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं कि हमारा अलायंस में कितने ज्यादा दल आ जाए और कितनी बड़ी ताकत आ जाए। तो निश्चित रूप से अगर चाहे कांग्रेस भी आएगी तब भी हम लोग भाजपा के अगेंस्ट हम सारे लोग एक होकर के भाजपा को शिकस्त देने का काम करेंगे। बंसीलाल जी, अभी शिवपाल जी ने सपा बसपा गठबंधन को ठग बंधन कहा है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, बेहतर ये होगा कि ये उसका अर्थ आप माननीय शिवपाल जी से पूछें, लेकिन हमें जो जानकारी है वो उन्होंने इस बेसिक पर कहा है कि दोनों पार्टियों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकतांत्रिक ढंग से राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने, कहीं ना कहीं से जोर जबरदस्ती करके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। तो दोनों लोगों ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ ठगने का काम किया है और जो उनके विचार थे उन विचारों से भटके हुए लोग हैं, जो समाजवादी विचारधारा थी उससे माननीय अखिलेश जी भटक चुके हैं, जो बहुजन विचारधारा थी माननीय कांशीराम जी की विचारधारा थी, डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा थी उससे मायावती जी भटक चुकी हैं, तो इसीलिए उन्होंने इस परिप्रेक्ष्य में कहा है कि ये विचारों का बंधन नहीं है, ये अवसरों का बंधन है और मजबूरी में ये गठबंधन हुआ है, तो ये गठबंधन नहीं ये ठग बंधन है क्योंकि ये स्वार्थ का बंधन है। आप लोकसभा चुनाव आपकी पार्टी और आप लोग किस विचारधारा पे, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहेंगे? तमाम हम लोगों की रैली हो रही है, 9 तारीख 9 दिसंबर को भी जो रमाबाई अम्बेडकर मैदान में बहुत बड़ी रैली हुई, तो विचार हम लोगों का स्पष्ट है। हम लोग जो बहुजन विचारधारा है और जो सोशलिस्ट विचारधारा है, समाजवादी विचारधारा है, उस दोनों को मिला जुला करके हम लोग एक जो इस देश में समरसता की विचारधारा है, जो इस देश में एक लोग दबाने की जो कोशिश कर रहे हैं उस विचारधारा को हम लोग लेकर के चल रहे हैं, जो बहुत बड़ी विचारधारा है। इस देश के 85% लोग आज परेशान हैं, आज गरीब परेशान है, आम आदमी परेशान है, और कभी ये जात के नाम पर, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर ये लोग ठगने का जो काम किए हैं, तो हमारी विचारधारा मानवीय विचारधारा है कि जिससे हमारे 85% बहुजन समाज के लोग और जो इस समाज में समानता के लोग हैं, जो चाहते हैं कि सबको बराबरी का हक मिले, जो हमारा संविधान कहता है, निश्चित रूप से हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। जो बाबा साहब की विचारधारा थी, जो डॉक्टर लोहिया की विचारधारा थी, वही हम लोग की विचारधारा, इन्हीं विचारधारा को लेकर के हम लोग चुनाव मैदान में जा रहे हैं। क्या अभी जो है कांग्रेस से अगर शिवपाल जी गठबंधन करते हैं
और अभी प्रियंका गांधी जी की एक एंट्री हुई है, ऑफिशियली एंट्री हुई है कांग्रेस में, तो क्या इस पे आपकी क्या राय होगी, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस ने जो प्रियंका गांधी जी को आगे किया है वो उनकी पार्टी की स्ट्रेटजी है, और हम लोगों का जहां तक सवाल है, अगर प्रियंका गांधी जी हो या चाहे राहुल गांधी जी हो, अगर हम लोगों के गठबंधन में हम लोग साथ आएंगे तो हम लोग मिल करके काम करेंगे और इस देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जो भाजपा के उत्पीड़न से, जो भाजपा के इस समय जो हालात पैदा भाजपा ने कर दिया है, उससे लड़ने के लिए हम सब लोग एक मंच पर आकर के और भाजपा को करारी शिकस्त देने के लिए हम सारे लोग एक होंगे, इसी यही हम लोगों को विश्वास है आने वाले समय में। बहुत बहुत धन्यवाद बंसीलाल जी, आपने हमारे साथ अपना टाइम दिया, हमें अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।